संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी, 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हरियाणा में रह रहे अप्रवासी परिवारों को नागरिकता की जगी आस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने पर जताई खुशी। और संसद भवन पर हमले की आज 18वीं बरसी, राष्ट्र दे रहा है आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गईं। इससे पहले दिन की शुरुआत पर लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार पर कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा सदस्यों ने उनसे माफी की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में कहा कि ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के किसी नेता ने राजनीतिक बातों में रेप का जिक्र किया है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही पुनः आरंभ होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हिस्सा बनाता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आहत हुआ हूँ, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूँ सारा देश आहत होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद से पारित करवाया गया था। विधेयक पहले लोकसभा फिर बुधवार को राज्यसभा से पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हालांकि विधेयक के प्रावधानों का पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विरोध हो रहा है। संसद में भी सरकार ने साफ कर दिया कि वो पूर्वोत्तर के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को एक बार फिर उत्तर पूर्व के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दी जाएगी और उनके हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए संबंधित वर्गों के लिए नया कानून अस्तित्व में आ गया है। संबंधित लोगों के बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में संविधान के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करके देश सेवा के नए अध्यायों का सूत्रपात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए अनिल विज ने कहा कि पार्टी सेवा की सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। वे आज अंबाला में अपने निवास स्थान पर लोगों की शिकायतें सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से सामाजिक क्षेत्र में नए अध्यायों का सूत्रपात होगा। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने पर रोहतक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। इस दौरान पाकिस्तान से भारत आकर मदीना में रह रहे हिंदू परिवार के सदस्यों ने भी खुशी का इजहार किया। विहिप के केंद्रीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि 72 साल से ऐसे परिवार अपने अधिकारों से वंचित थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह ही भारत के मुसलमानों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसा रहा है।
पिछले 72 साल से हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पीड़ित था। इनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था और इनको जबरदस्ती धर्मांतरित किया जाता था। ना इनकी धरती सुरक्षित थी, ना इनकी इज्जत सुरक्षित थी, ना इनका धर्म सुरक्षित था। कल ऐतिहासिक दिन था, वो ऐतिहासिक भूल जो 15 अगस्त 1947 को की गई धर्म के आधार पर विभाजन की, वो कल ठीक हो गई और उन सब हिंदुओं को जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, भारत में इज्जत की जिंदगी जीने का अवसर उन्होंने दिया है। आज इनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि ये नया जन्म मिला है, हम नरक से मिलके हम स्वर्ग में आए हैं। हम इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें एक नया जन्म मिला है। संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद देश में रह रहे बहुत से अप्रवासी परिवार जो प्रताड़ना की वजह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे, उन्हें अब नागरिकता की आस जगी है। आज राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और अब ये बिल कानून का रूप ले लेगा और ऐसे में ये परिवार भारत की नागरिकता ले पाएंगे। सिरसा जिले के ऐलनाबाद कस्बे में 22 वर्षों से ऐसे 12 परिवार रह रहे हैं जो पाकिस्तान में प्रताड़ना के बाद ऐलनाबाद में आकर रहने लगे थे। ये सभी अनुसूचित जाति के धानक समाज से संबंध रखते हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि वे भारत के नागरिक बन पाएंगे। नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद ये परिवार बेहद खुश हैं। भारत सरकार ने जो बिल पास किया है, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। हमने जो पीछे 20 सालों में जो परेशानियां भुगती हैं या इनका सामना किया है, वो हमने कल सब उन सब को बुला दिया है और हमें एक जीवन की नई आस दिखाई दी है और हमें ये लगने लगा है कि हम भी एक आम भारतीय की तरह आगे काम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस बिल के पास होने से हमें जो मुसीबत थी वो अब हमारी कम हो चुकी है। मेरी भी पढ़ाई रुक चुकी थी क्योंकि हमारी नागरिकता नहीं थी, इसलिए अब मेरे भाई और बहन ने उनकी भी अब पढ़ाई हो सकी नागरिकता होने की वजह से, जो भी मुसीबत थी या इसकी वजह से वो अब दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो मेरी बहन के 2-3 लड़की है उनकी भी नहीं पढ़ाई हो रही, आगे एडमिशन नहीं हो रहा, जो रात से सांस ली रात की, वो तो बहुत खुशी हो रही है। संसद पर हुए हमले की आज बरसी है। इस मौके पर संसद परिसर में उन शहीदों की शहादत को याद किया गया जिन्होंने 18 साल पहले आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम करने में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। संसद भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और आम लोगों ने भी उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने उन जवानों के शौर्य और साहस को सलाम किया जिन्होंने 2001 में इस दिन आतंकवादियों से संसद का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि ये देश आतंकवाद और इसके हर रूप को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता शिविर कल संपन्न हो गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिविर में देश के 16 राज्यों से 250 युवाओं ने हिस्सा लिया। समापन अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्टेट डायरेक्टर SN शर्मा ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। 5 दिवसीय इस शिविर में ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं को राष्ट्रीय एकता और देश की संस्कृति समझने के साथ ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों को जानने का अवसर मिला। में पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड दिए गए हैं, जो भी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ था, जैसे कि रंगोली मेकिंग कंपटीशन हुआ था, निट इंडिया एग्जीबिशन हुआ था, तो जो भी प्रतिभागियों ने 1st, 2nd, 3rd की स्कोरिंग करी है उन्हें
सम्मानित किया गया है। हर एक को पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है राष्ट्रीय एकता शिविर का। एकता शिविर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल है यूथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना मिनी इंडिया दिख सकता है, क्योंकि हर एक राज्य से आते हैं सब लोग, उनका ट्रेडिशन उनका कल्चर सभी हम लोगों को सीखने को मिलता है, और हमारा ट्रेडिशन हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का निनाद लेके यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे कल्चर में जितना भी तेलंगाना का जो भी है, जहाँ पे हर राष्ट्र के 16 राष्ट्र के जो यहाँ पे आए थे उनको हम सिखाएं और उनका कल्चर हम सीखें, और उनका कल्चर जो जैसा जैसा है, जैसा कि उनका कॉस्ट्यूम्स होता है, जिनका जो डांस होता है, हम भी वो सीख रहे हैं। और जो यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, यहाँ जो आदर्शनीय जहाँ पे आए थे, वो जो बातें और उनके अच्छे अच्छे स्पीच हैं, और हम क्विज कंपटीशन सारा भी यहाँ पे अच्छा लगा है। यहाँ आने का एक अलग ही अनुभव सा रहा, अभी भी हमारा जो सफ़र रहा उसमें भी एक अलग, क्योंकि हम ग्वालियर के हैं सब, लेकिन हम कभी मिले नहीं, और उस सफ़र में हम ऐसे हम दोस्त बन गए कि अब तो हमारा बिल्कुल हम सफ़र जैसे। और यहाँ आने के नुह ज़िले में बाल विवाह और बच्चियों की शिक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस सतीश कुमार मित्तल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाल विवाह की कुरीति करीब 500 साल पुरानी है, और हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद और नुह जिलों में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। जस्टिस मित्तल ने कहा कि बाल विवाह के साथ साथ बच्चियों की तालीम को लेकर समाज को जागरूक करने की जरूरत है। बाल विवाह की जो कमी आनी चाहिए, ये कुछ रेशियो जो है 2014 से 2018 के बीच में डिक्रीज होने की वजह इंक्रीज हो गई। तो वो जो न्यूज आइटम को हमने शिवमोटो संज्ञान लिया, और जो है हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसका रिपोर्ट मांगी गई, तो उसमें कई चीज़ ऐसी आई हमारे सामने कि हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। तो हमने डायरेक्शन जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी थी कि भी आप जो हैं कुछ सेमिनार करें, और प्रेफरेबली सेमिनार 3 डिस्ट्रिक्टों में करें आम ज़्यादा, एक नूह में, एक सिरसा में, एक फतेहाबाद में। तो उसी कड़ी में पहला जो है ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। 6 अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हरियाणा में रह रहे अप्रवासी परिवारों को नागरिकता की जगी आस। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने पर जताई खुशी। और संसद भवन पर हमले की आज 18वीं बरसी। राष्ट्र दे रहा है आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।